हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देखो कि हम लोग 12th क्लास का जो केमिस्ट्री का पहला वाला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, उसका यहाँ पे हम लोग कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए यहाँ पे लेके आ गए हैं। और ये एक्सरसाइज बहुत ही लंबा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता दूँ, तो आप वीडियो को आप 2x2 पे भी करके आप देख सकते हैं। आपको जहाँ पे आंसर मिलता है आप उस आंसर को पढ़िए और आप समझिए और देन उसके बाद आप लिख लीजिए। ओके, तो गाइस जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे अभी हम जो हमारा एक्सरसाइज है उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे कि चूज द मोस्ट करेक्ट आंसर, यानी आपको यहाँ पे क्या दिया है, MCQ दिया है। ओके, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आते हैं, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जितने भी ऐसे सारे क्वेश्चन है आप अलग से लिख लीजिए, ताकि आपका जो अगर आप किसी और चीज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे नीट की जेई की, तो आपको उसके अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ओके, क्योंकि यही सारे जो क्वेश्चन होते हैं आपको उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी आते हैं। अगर आप MSCET की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो MSCET के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं आपके एकेडमिक ईयर में, ओके, वही सारे सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि पहला वाला सबसे जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो फर्स्ट वाला ही है, सेकेंड का आंसर है आपका बी। ओके, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन उसका आंसर है आपका डी, फोर्थ वाले का आंसर है सी। ठीक है, उसके बाद अगर फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसका आंसर है आपका डी, उसके बाद यहाँ पे अगर फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखोगे जिसका आंसर है आपका सी। ओके, उसके बाद सिक्स सेवेंथ वाले का जो आंसर है आपका बी। ओके, यहाँ पे अगर उसका नेक्स्ट वाले का जो आंसर है आपका सी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन में बढ़ते हो तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग इन वन और टू सेंटेंसेस। ओके, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वन और टू सेंटेंसेस दिया है या ब्रीफ में बोला है। अगर आपको ब्रीफ में बोला जाता है कभी भी आंसर लिखने के लिए, तो आप हमेशा क्या करो, 4 से 5 लाइनें लिखो। अगर आपको वन और टू सेंटेंसेस बोला जाता है तो आप एक सेंटेंस भी लिख सकते हो या एक से ज्यादा सेंटेंस भी लिख सकते हो, ये सिर्फ आपके ऊपर होता है। लेकिन ऐसे सब क्वेश्चन में आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो हर एक टीचर को आंसर में चाहिए होता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट आपके आंसर में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फोर मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अलग अलग सॉलिड कौन कौन से है, यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड सॉलिड है। ओके, और यहाँ पे आपका अलग अलग जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है पार्टिकल है, उसके बाद आयोनिक सॉलिड है, ये अलग अलग क्या है, अलग अलग टाइप के आपके सॉलिड्स के टाइप है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द थ्री टाइप ऑफ पैकिंग यूज बाय द मेटल मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द स्पेस एंड विच मेक द लीस्ट एफिशिएंट यूज। ओके, तो तीन तरह के आपके पैकिंग होते हैं। सबसे पहले तो आपका क्लोज पैकिंग होता है, जिसके अंदर आपको फेस सेंटर क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये दो चीजें देखने के लिए मिलती है। ओके, और ये क्या है, मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द स्पेस व्हाइल द सिंपल क्यूबिक एंड लीस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप सिंपल क्यूबिक के बारे में पढ़ोगे तो उसका जो ये होता है एफिशिएंसी होता है जो पैकिंग का, ओके, वो सबसे कम होता है, अराउंड 53 या 56 के अराउंड होता है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। लेकिन अगर आप क्लोज में जाओगे तो क्लोज में अराउंड आपका 74 के अराउंड होता है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप हमेशा जब भी आप पढ़ाई करते हो तो ये कभी भी आप उस तरीके से पढ़ो कि क्या हम ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो सॉरी इसका हमने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे ये जो इसमें आपको क्या इंसुलेटर सेमीकंडक्टर और मेटल में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिंपल सा आपका इंसुलेटर है, ये आपके क्या है मेटल है, और ये आपके मेटल है, और ये आपका क्या है यहाँ पे सेमीकंडक्टर है। ओके, तो ये आपको डिफरेंशिएट करना है। वॉट इज द यूनिट सेल, तो यूनिट सेल में अगर आप बात करें तो सिंपल सा एक डेफिनेशन होता है कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस दैट रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम। ओके, यहाँ तक भी अगर आपने लिखा तो आपका आपको जो आंसर है वो परफेक्ट मिलने वाला है, और नीचे के जो चीजें हैं वो आपको एक्स्ट्रा दी गई है ताकि आप अगर पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको पता चल जाएगी यूनिट सेल के बारे में। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाउ डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज विद द टेम्परेचर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो जनरली इंक्रीज विद द टेम्परेचर, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, जैसे जैसे ये आपका जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, ओके,
वैसे वैसे जो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यानी जो ग्राफ है आपका इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे जो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो आपका इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। द पिक्चर रिप्रेजेंट द बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर द सिलिकॉन, लेबल वैलेंस बॉन्ड, ओके, कंडक्शन बॉन्ड एंड द बैंड गैप। ओके, तो यहाँ पे ये हमने इसका जो आंसर नहीं लिखा है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन बाकी के जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, अ सॉलिड इज द हार्ड, ब्रिटल एंड इलेक्ट्रिकली मोनोकंडक्टर। ओके, इट मेल्ट कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वॉट टाइप ऑफ सॉलिड इट इज। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर यहाँ पे आपको दिया है, मेंशन द टू प्रॉपर्टी दैट आर कॉमन इन बोथ HCP एंड CCP लैटिस। यानी यहाँ पे आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में पूछा है और सेकंड वाला आपको क्लोज पैकिंग के बारे में पूछा है, दोनों में आपको। तो यहाँ पे अभी आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जिसके अंदर आपको पूछा है स्केच द टेट्राहेड्रल वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको टेट्राहल वर्ल्ड्स किस तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ पे जहां जहां पे आपको टी लिखा है ये सारे क्या है आपके टेट्राहेड्रल वर्ल्ड्स है। ओके, तो आप इनको ध्यान रखो कि टेट्राहेड्रल वर्ल्ड्स आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो। व्हाट आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर द मटेरियल दैट एग्जिबिटेड अ स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन। ओके, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो पैरामैग्नेटिक होता है, यानी एक तरह से हम लोग जो परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं जिसके अंदर आपका देखोगे तो एक तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म कहा गया है। ओके, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जो क्रेन होता है यहाँ जहाँ पे जो इंडस्ट्री में जो आपका मैग्नेट यूज किया जाता है वो सारी मैग्नेट क्या होती है इलेक्ट्रिकली ऑपरेट की जाती है, जिसको पावर दिया जाता है और पावर देके उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट की जाती है। तो आपको ये दोनों में जो डिफरेंसेस है आपको समझना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो थर्ड वाला क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, तो ये चीज आप नोट कर लो, आपको ब्रीफ के अंदर क्वेश्चन पूछा है तो आपको ब्रीफ के अंदर ही आंसर देना है। ओके, व्हाट आर द बैलेंस बॉन्ड एंड द कनेक्टिंग बॉन्ड, इसका जो आंसर है आप यहाँ पे ब्रीफ में देख सकते हो। और ब्रीफ में हमने कहा था कम से कम आपके जो चार लाइनें हो वो होनी चाहिए आपकी, ताकि आपका वो आंसर ब्रीफ में लगना चाहिए। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन द आयोनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या फर्क है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से तरीके से यहाँ पे जो पॉइंट आउट है वो करके दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन FCC यूनिट सेल, तो यहाँ पे FCC यूनिट सेल का कितने एटम होते हैं, 6 एटम होते हैं। और यहाँ पे आपको पूरा जो कैलकुलेशन है वो दिया गया है कि हर एक सेल के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं, ओके, उसके ऊपर कितने फेस सेंटर होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दी है और उस हिसाब से यहाँ पे जो लास्ट कैलकुलेशन वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दी है, वो कितनी है आपकी 6 एटम। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है कि हाउ आर द स्पेयर अरेंज इन द फर्स्ट लेयर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, हाउ आर द सक्सेसिव लेयर ऑफ स्पेयर प्लेस अबव दिस लेयर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप बात करो कि अगर आपने देखा होगा कि अगर जब भी हम क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग लेयर का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वापस एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं जो आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसको। तो यहीं पे आपको जो आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है पूरे परफेक्ट तरीके से। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल दैट हैज द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कैलकुलेट करना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल जिसका आपको क्या है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया है, और उसमें जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी है वो सबसे कम होता है आपका 52 जो आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। ओके, तो ये बात भी आपको नोट करनी है और ये जो पॉइंट है आपको इंपॉर्टेंट करके रखना है, क्योंकि ये पॉइंट आपको कभी कभी एग्जाम में सिंपली आ जाता है कि आप सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितना परसेंट है वो आप लिखिए, और ये कॉम्पिटिटिव में आया है, मैंने भी फेस किया है ऐसे सब क्वेश्चन को, तो इसके लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि व्हाट आर द पैरामैग्नेटिक मैग्नेट गिव एग्जांपल, तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, हम लोग एक्सटर्नल फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और एक्सटर्नल फील्ड का मतलब हो गया आपका करेंट, तो ये बात हमेशा ध्यान रखा कि करेंट का जहां पे इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें क्या होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजों का जो इस्तेमाल होता है
वो हम लोग बेसिकली किसके अंदर करते हैं, गाड़ियों के अंदर करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ओके, परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे रेडियो हो गया आपका, उसके बाद स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, तो ये सारी चीजों पे आप एयरफोन देख लो, आपके एयरफोन के अंदर भी आपका परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको आपके आसपास ही होती है इन्वायरमेंट में, जो केमिस्ट्री होती है, बस आपको थोड़ा बहुत समझना होता है। ओके, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्कॉटकी डिफेक्ट, तो शॉर्टकी डिफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है। शॉर्टकी डिफेक्ट को सबसे पहले आपको समझना होगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट में सबसे पहले तो आपको लाइन डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ओके, लाइन डिफेक्ट में यानी एक तरह से पूरा एक जो लाइन का सीरीज होता है, वो जितने भी यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जितने भी वहां पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मतलब वहां से वैकेंट हो जाते हैं, या फिर एक तरह से आपका अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि एक एक जो है वो यहाँ से गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपका नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, वहां पे आपका नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, वैकेंट स्पेस हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे वैकेंट प्लेसेस देखने लगेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आपका जो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, उसके अंदर चेंजेस, उसकी जो डेंसिटी है वो आपको डेंसिटी कम होती हुई दिखती है। ओके, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अफेक्टेड होता है, और जो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ऑफकोर्स वहां पे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अगर आप सोचो कि आपके बॉडी के अंदर से अगर कोई एक पार्ट निकाल दिया जाए तो क्या आपको तकलीफ होगी, क्या आपके अंदर कोई कमियां आएगी, तो ऑफकोर्स आएगी, हमें तकलीफ होगी। तो ये सेम चीज है किसी भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल के साथ भी होती है, अगर उसके अंदर का एक छोटा सा एक पर्टिकुलर पार्ट निकाल दिया जाए तो उसके अंदर भी सेम वो चीजें होती है, कोई डिफेक्ट आने के कारण उसको भी तकलीफ होती है, उसके अंदर भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। ओके, तो ये सारी चीजों को अगर आप सोच के चलोगे, अगर आप उसको लाइफ के साथ रिलेट करके चलोगे केमिस्ट्री को, तो आप बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीजें आप सीख सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, चेजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज इन द क्यूबिक विनिट सेल विद द क्लोरीन आयन इन द कॉर्नर। ओके, एंड जो चेजियम है आयन इन द सेंटर ऑफ द क्यूब, हाउ मेनी चेजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल आर देयर इन द यूनिट सेल। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो यूनिट सेल है उसके अंदर कितने चेजियम क्लोराइड फॉर्म हो रहे हैं, तो वो कितने में 1:1 के रेशियो में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो वही आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे वो सारी चीजें होती है, उसको यहाँ पे थ्योरेटिकली आपको यहाँ पे बता के दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसके अंदर आपको पूछा है कि कॉपर क्रिस्टलाइज इन द एफसीसी यूनिट सेल विद द एज लेंथ ऑफ 495 पिको। यहाँ पे आपको पीएम दिया है, यानी आपको यहाँ पे क्या दिया है, वेवलेंथ की वैल्यू दी है। ओके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, तो कॉपर एटम का क्या निकालना है, आपको रेडियस निकालना है। तो यहाँ पे आपको एक आंसर कंप्लीट आंसर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर दिया है, लेकिन ऐसे सब क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ओके, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं एग्जाम के अंदर, या फिर एग्जाम के अंदर स्किप करने के कारण वो फिर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, ओके, या फिर आपका जेई का एग्जाम हो, ओके, या फिर आप एमएसटी सीईटी दे रहे हो, तो ये सारी चीजों में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आप मिस आउट कर देते हो, बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर है आपको नहीं पता होते हैं। इसके लिए यहाँ पे मेरा यही फोकस है कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, आप थोड़ा सा समय निकाल लो, आप क्या करो, थोड़ा सा ही आपको समय निकालना है, आप ऐसे क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर करने लगोगे और बाद में आपको ऐसे सब क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको पूछा है कि ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ओके, तो डेंसिटी क्या होती है कि जो ओवरऑल वैल्यू होती है किसी भी सब्सटेंस की, यानी ओवरऑल वेट होता है, उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। और एज लेंथ क्या होता है कि जो उसकी एज होती है, यानी जो उसका, अगर सपोज मेरे पास ये एक बॉक्स है, ओके, तो ये बॉक्स का क्या है, ये जो एक ये क्या है, इसका एज है। ओके, इस एज का क्या करना है आपको, लेंथ यहाँ पे फाइंड करना है, उसका यूनिट सेल। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको पूरा जो कैलकुलेशन है आपको करके दिया है, और आई होप मेरे हिसाब से इस कैलकुलेशन में आपको कोई भी जो गलती है वो आपको नहीं मिलने वाली है, ये एकदम परफेक्ट आपको कैलकुलेशन दिया है। ओके, आपको इसी तरीके से जो कैलकुलेशन है वो आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको क्या पूछा है कि
द डेंसिटी ऑफ इरिडियम, ओके, इरिडियम इज 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द यूनिट सेल ऑफ इरिडियम इज FCC, यानी फेस सेंटर आपका क्यूबिक, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इरिडियम एटम, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इरिडियम एटम, मोलार मास ऑफ इरिडियम एटम इज ऑलरेडी गिवन इज 192.2 ग्राम पर मोल, जिसका ओवरऑल वैल्यू कितना होता है आपका 136 पिकोमीटर, यानी यहाँ पे आपको क्या दिया है, वेवलेंथ आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है, ओके okay? तो इस हिसाब से आप यहाँ पे जो डेंसिटी है इरिडियम की वो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आपको मोलार मास दिया है, आपको उसका वेवलेंथ दिया है, यूनिट सेल आपको दिया है, और उसका इरिडियम का जो डेंसिटी है वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे दी गई है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको उसको फॉर्मूले में पुट करना है, और आप आसानी से यहाँ पे जो इरिडियम का मॉलिक्यूल यहाँ पे रेडियस है उसका आप निकाल सकते हो, ओके okay? उसके बाद यहाँ पे आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको क्या पूछा है कि एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन द क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ओके, यानी यहाँ पे आपको CCP दिया है, स्ट्रक्चर विद द यूनिट सेल एज लेंथ इज 353.6 पिकोमीटर, यहाँ पे आपको एज लेंथ भी दिया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ AI एटम, ओके, एल्यूमिनियम एटम का यहाँ पे आपको क्या पूछा है, रेडियस पूछा है, एंड हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन द 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, ओके, यहाँ पे आपको यूनिट सेल भी पूछा है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने यूनिट सेल हो सकते हैं, और यहाँ पे आपको 125 पिकोमीटर का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको करके दिया है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो रेडियस निकालना है उसका एल्यूमिनियम का, देन उसके बाद कितने उसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट सेल है वो दो चीजें यहाँ पे आपको फाइंड करनी है, ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आपको फाइंड करनी है, तो ऑफ कोर्स आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए तभी आप ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इन एन द आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम ऑफ द एलिमेंट वाई फ्रॉम द HCP लेडीज, ओके, लेटिस द अमाउंट ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ओके, X2Y3, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो आपको बताना है X2Y3 का, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि सिंस द टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल एंड द एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाई द 1/3 ऑफ दिस वॉइड, द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट एक्स पर द यूनिट सेल इज 2 × 1:3, ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो एक कितना यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है टेट्राहेड्रॉइड्स ने एलिमेंट को एक्स को, तो वो आपको यहाँ पे बताना है, ओके उसके बाद हाउ आर द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे फॉर्म होते हैं और ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होते हैं, दोनों का यहाँ पे जो आंसर है वो ऑलरेडी आपको लिख के दिया है, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको दिया है, तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर कोई भी जो डिफिकल्टी है वो आपको नहीं आने वाली है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप 8 वाला क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको क्या पूछा है कि थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर इज एडेड टू द सेकेंड लेयर, ओके, यहाँ पे आपका क्या है, थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर के ऊपर आपको सेकेंड लेयर एड किया है, एज फॉर्म द HCP और CCP स्ट्रक्चर, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडिशन ऑफ थर्ड लेयर टू फ्रॉम दिस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ओके, तो इस हिसाब से आपको बताना है कि क्या इसमें क्या डिफरेंसेस आए, क्या इसके अंदर कौन सी चीजें अलग हो गई, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा एक कंप्लीट जो आंसर है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 9th वाला जो क्वेश्चन है, 9th वाला क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, एन एलिमेंट विद द मोलार मास, यहाँ पे एक का मोलार मास दिया है, आई थिंक ये मेरे हिसाब से कॉपर लग रहा है, ओके, क्योंकि 27 है तो कॉपर ही है, कोबाल्ट है, सॉरी यहाँ पे कोबाल्ट है, तो यहाँ पे 27 किसका होता है, ये होता है आपका कोबाल्ट का, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो आंसर है वो दे दिया है, फ्रॉम क्यूबिक यूनिट सेल विद द एज लेंथ ऑफ 405, यहाँ पे आपको एज लेंथ भी दिया है आप देख सकते हैं, ओके, इफ द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ओके, FCC या CCP, तो ये आपको बताना है, तो यहाँ पे आंसर भी आपको दिया है FCC, ओके, तो यहाँ पे भी आपको ये कंप्लीट जो आंसर है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको क्या पूछा है कि एन एलिमेंट हैज द BCC स्ट्रक्चर, ओके, यानी यहाँ पे आपको BCC स्ट्रक्चर पूछा है, उद यूनिट सेल एज लेंथ भी आपको दिया है 288 PM, हाउ मेनी यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन द 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, तो आपके पास अगर 200 ग्राम का कोई एलिमेंट है जिसके अंदर आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल और कितने नंबर ऑफ एटम उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि 200 ग्राम है, ओके, 200 ग्राम को यहाँ पे किस तरीके से आपको फाइंड करना है जिसके अंदर आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल और कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो के ये आपको बताना है, ओके, वी
ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 11th वाला क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मेटल कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर फ्रॉम ईच मेटल। आपको क्या बताना है, मेटल कंडक्टर के बारे में बताना है, इंसुलेटर के बारे में बताना है और सेमी कंडक्टर के बारे में बताना है, डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप 12th वाला क्वेश्चन देखो जिसमें आपको क्या पूछा है कि व्हाट आर द एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, वाई इज द कंडक्टर ऑफ डेपोर्ट एन टाइप सेमी कंडक्टर हायर देन दैट ऑफ द प्योर सेमी कंडक्टर। ओके, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम, लेकिन यहाँ पे हमने डायग्राम नहीं बनाना है तो आपको यहाँ पे डायग्राम भी प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो हमारा 13th वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है कि एक्सप्लेन विद डायग्राम, तो यहाँ पे हमने डायग्राम तो नहीं बनाया है फ्रेंकल डिफेक्ट का, लेकिन आप इसका फ्रेंकल डिफेक्ट का जो डायग्राम है आपको बनाना है। ओके, और ये कंपलसरी है। सिर्फ हमने क्या दिया है, यहाँ पे जो कंडीशन है इसके उसको हमने प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑफ डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल, वो सारी चीजों को यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। तो ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ आपको एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम के बाद ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, उसके बाद 14th वाला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द इंप्योरिटी डिफेक्ट, तो इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है ये आपको बताना है। व्हाट आर इट्स टाइप, ओके, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज थ्रू द एलियोवेलेंट इंप्योरिटी विद द एग्जाम्पल। ओके, ये यहाँ पे आपको जो पूरा कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया है, आपको सिर्फ ये नोट डाउन करना है आपके बुक के अंदर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर है यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए हैं। ओके, आपको किसी किसी क्वेश्चन में जो डायग्राम है वो डायग्राम हमने प्रोवाइड नहीं किया है, वो सिर्फ डायग्राम बहुत इजी है, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, आपके बुक के अंदर भी वो डायग्राम आपको मिल जाएंगे। ओके, आपको वहां से आपको बनाना है, देन उसके बाद जो आंसर है वो आपको लिखना है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा या फिर स्टडी रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम का भी चैनल है वहां पे भी जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपके जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो और वहां पे भी आपके जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, और आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो कमाल के वीडियो है, अपडेट है स्टडी रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको एक ही चैनल पे मिल जाए, आपको बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, तो थैंक यू सो मच।